Assalamualaikum students, this is English B period for class 4. Take out your English B docket, open page number 117. First of all, write CW and date at the top of the page. In this lecture, we will study an application to your headmaster or headmistress for leave to attend a marriage. The principal, OIS school. Karachi. Subject: to attend a marriage ceremony. Respected sir, most respectfully, I beg to state that I have to attend the marriage of my sister in Gujarat. Kindly grant me 4 days leave of absence. I shall be very thankful to you for this favor. Yours obediently, XYZ. गुजारिश अर्ज है कि मुझे गुजरात में अपनी सिस्टर की शादी अटेंड करनी है। बराए मेहरबानी मुझे 4 दिन की रुख्सत अनायत कीजिए। इस नवाजिश के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। आपका फरमा बरदार एक्स वाई जी। लेट्स लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ग्रांट, इनायत। फेवर, नवाजिश। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन राइट करने का एक पैटर्न होता है जिसे फॉलो करना ज़रूरी होता है। लेट्स लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन राइट करते हुए मार्जिन ड्रॉ नहीं होता। द प्रिंसिपल, OIS स्कूल, कराची। सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर। इन तमाम वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करते हैं। लुक एट द कॉमास एंड फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल, कॉमा, OIS स्कूल, कॉमा, कराची, फुल स्टॉप। रिस्पेक्टेड सर, कॉमा। यहाँ सब्जेक्ट टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी राइट किया गया है क्योंकि हम शादी अटेंड करने के लिए लीव अप्लाई कर रहे हैं। आप जिस भी वजह से लीव अप्लाई करेंगे, आप यहाँ वही सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिक लीव, टू डू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क और टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी एट्सेट्रा। आफ्टर दैट आप एप्लीकेशन का सारा मैटर इस जगह पर राइट करेंगे। एट द एंड योर्स ओबीडियंटली, कॉमा, एक्स वाई जी। एप्लीकेशन का ये पार्ट पेज के राइट साइड पर लिखा जाता है। जिस लाइन में योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, एग्जैक्टली उसी लाइन में लेफ्ट साइड पर डेट राइट करेंगे। Now, this is your home task. Learn and write an application to your headmaster or headmistress for leave to attend a marriage ceremony in assignment register. Thank you.